न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। जीरो से पांच साल तक के बच्चों को विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत रेवाड़ी जिला में 7 से 12 अगस्त तक प्रथम, 11 से 16 सितंबर तक द्वितीय और 9 से 14 अक्टूबर तक तृतीय चरण के अंतर्गत टीकाकरण किया जाएगा। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने ट्रॉमा सेंटर में पत्रकारों को बताया कि यूविन पोर्टल के माध्यम से बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण कहीं भी कराना आसान हो जाएगा। यूविन को कोविन पोर्टल की तर्ज पर बनाया गया है। टीकाकरण के उपरांत यूविन पोर्टल से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकेंगे। पोर्टल पर बच्चों के टीकाकरण के साथ गर्भवती महिलाओं का पूरा रिकॉर्ड भी देखा जा सकेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। हम MR एलिमिनेशन करने जा रहे हैं दिसंबर 2023 में, उसको देखते हुए हमारे यहाँ एक मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो कि पूरे हरियाणा में चलेगा। उस मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम का पहला राउंड जो है हमारा अगस्त में 7 से 12 अगस्त होगा, सेकंड राउंड जो है 11 से 16 सितंबर होगा और तीसरा राउंड 9 से 14 अक्टूबर में होगा। इसमें हमारा जो मिशन इंद्रधनुष में मेन पर्पज यही है कि जो भी हमारे 0 से 2 साल के बच्चे या 2 साल से 5 साल के बच्चे या गर्भवती औरतें, जो भी कोई छूट गया जिनका कोई भी टीका, तो वो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के तहत लगाया जाएगा। इसके तहत हमारा यही टारगेट है कि सभी बच्चों को मिजल के MR1 या 2 टीके लग जाएं ताकि 100% बच्चे क्योर हो जाएं। तो ये तो हमारा मिजल एलिमिनेशन का प्रोग्राम था। इसमें नई बात क्या है कि इसके साथ साथ कोविन की तर्ज पर, जैसे कोविड में एक इंजेक्शन कोई आदमी रेवाड़ी लगवाता था, दूसरा दिल्ली लगवाया, तीसरा जम्मू, तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता था और वो मोबाइल पे अपनी सर्टिफिकेट निकाल सकता था डिजिटल। सेम इसमें है, बच्चों का यूविन पोर्टल बनाया है बच्चों और माँ के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, कि अगर मान लो कोई गर्भवती औरत यहाँ की बजाय दिल्ली गुड़गांव डिलीवरी करवाती है जाके, उसके बाद वो मान लो अपने हस्बैंड के साथ जम्मू चली गई, तो ऑटोमेटिकली एक बार रजिस्टर हो गई तो आगे आगे वो अपने आप अपडेट होती रहेगी। तो 5 साल तक के कोई भी बच्चा हमारा बिना टीकाकरण के नहीं रहेगा और ना ही कोई गर्भवती बिना टीकाकरण के रहेगी। तो इसमें डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, हमारी वैक्सीन की जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगी, फुल इम्यूनाइजेशन और कंप्लीट इम्यूनाइजेशन कवरेज हमारी 100% हो सकेंगी और ऑथेंटिकेटेड डाटा मिलेगा। साथ में जो CBSE है हमारी, उसने इसको बच्चों के फर्स्ट क्लास में जब एडमिशन होंगे उसमें इस डिजिटल सर्टिफिकेट को भी मैंडेटरी कर रहे हैं, ताकि तो मेरी सभी से यही अपील है, जो भी डिलीवरी पॉइंट है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो, कोई BMS डॉक्टर करा रहा है या बड़ा हॉस्पिटल करा, सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, क्योंकि डिलीवरी अगर उनके हॉस्पिटल में होती है तो बर्थ डोज लगवाना भी उन्हीं का ही फर्ज है। वो अगर वो नहीं लगाएंगे, वो छूट जाएगा, तो अनुशासनिक कार्रवाई भी हम उनके खिलाफ कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से मेरी टीम पूरी तैयार है, हमने अपनी हाउस टू हाउस सर्वे कर ली है, माइक्रो प्लानिंग बना ली है। अब 7 तारीख से हम इसका टीकाकरण जो मिशन इंद्रधनुष के तहत करेंगे, ताकि सभी हमारे माँ और बच्चे कवर हो जाएं।